रेडमी नोट 10 का मोबाइल है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सिस्टम जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग, या कभी कभी हो जाता है ये रिस्टार्ट इशू, लोगो आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज एक और नया सोल्यूशन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है फिरोज और मैं फोन फिक्स की टीम की तरफ से कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, एक मार्केट में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है स्टूडेंट्स को, और इस प्रॉब्लम में फ्रेंड्स हैंडसेट आपका ऑन भी होगा और कभी कभार हैंग ऑन लोगो पे होगा या फिर कभी रीस्टार्ट होगा, और इसमें लिख के आएगा आपको सिस्टम यूएल इजेंट रेस्पॉन्डिंग। तो इस तरह का लिख के मैसेज आएगा तो आप सोचेंगे ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो आप उसको फ्लैशिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तब भी ये सॉल्व होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। और इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड वो सीपीयू से आता है। सीपीयू से कुछ सिग्नल मिस हो जाने के कारण, कुछ लाइनों में जो है ना सिग्नल ना आने की वजह से इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले पे आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको करना क्या है, सीपीयू को रिबॉल करना है और इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से हमारी पूरी टीम ने इसको बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है, काफी सारे लोग इस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद में जाकर के एक आपको सोल्यूशन मिलता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम होगा जो पहले से काम कर रहे हैं, और उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में तो वीडियो बिल्कुल मत देखिए, चैनल पे आप किसी और भाई को ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो अभी फ्रेशर है, जो पहले से काम नहीं कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ब्लैक पेस्टेड आईसी होती है या फिर हार्ड ग्लू होता है ओप्पो वीवो में, तो उनको पता नहीं होता है कि कहां से खोले, कैसे खोले, कैसे क्लीन करें, तो उन सारे बच्चों के लिए हम वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, और विजिट करिए www.phonefixhye.com हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज की सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
जैसे कि यहाँ पे बोर्ड ठंडा हो गया है, एक बार फिक्स करके देखेंगे अभी ऑन हुआ क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पे ऑन हो गया है और वेट करेंगे ऑन होने तक। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में वीडियो के आप देखे थे कि फर्स्ट लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा था, और या फिर अगर ऑन भी कभी कभी वो ऑन भी हो जाता था और सिस्टम यूआई रिस्पॉन्डिंग का कुछ एक एरर आ रहा था। अभी यहाँ पे लोगों पे रिस्टार्ट था, अभी देखेंगे फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीपीयू रिवॉल्व हो कर दिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि सेकेंड लोगो आ गया है, नीचे का जो एंड्रॉयड स्टार्टिंग था वो फर्स्ट लोगो था, अब वो हटने के बाद नीचे आपको 3 डॉट्स देखने में मिलेंगे। ये ऑलरेडी किसी ने फ्लैश वगैरह मार्केट में करके भी देख लिया कि ये हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम या सिस्टम या एरर का प्रॉब्लम फ्लैशिंग से होता है करके देख लिया है, बट वो नहीं हुआ था। उसका ये लास्ट सॉल्यूशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, किसी ने ऑलरेडी फ्लैश कर दिया है बट उससे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे सागर सर हमारे क्या देखेंगे अभी यहाँ अगर सेटअप कंप्लीट के बाद वहाँ पे अगर रिटर्न आ जाता है तो ये FRP लॉक पे है। तो जैसे कि ये किसी ने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, इस प्रॉब्लम के लिए फ्लैशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट ये किसी ने फ्लैश कर दिया, किसी टेक्नीशियन ने कर दिया, या हो सकता है सर्विस सेंटर में जाके किया होगा। ये विदाउट फ्लैशिंग में भी हमारा काम हो जाएगा। देखेंगे अभी यहाँ पे फ़ोन ऑन हो गया, कोई FRP लॉक नहीं है, पूरी तरीके से ऑन हो गया है। एक बार सेटिंग में जाके बता दो एक बार मॉडल वगैरह जो भी है इसका, फर्स्ट नंबर पे इसमें लेटेस्ट वर्जन MIUI 313 का वर्जन इसमें डाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, Redmi Note 10 Pro Max मॉडल है जो आप देख सकते हैं।